हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम RSMSSB LDC की जो तीन टाइपिंग शिफ्ट्स में तीन जो शिफ्ट्स क्लियर हो चुकी हैं, जो बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, उनके फीडबैक, उनके रिव्यू के बेसिस पे क्या क्या हमने मिस्टेक की है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, जो मैं आपको मॉर्निंग से ही बता रही हूँ, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। तो स्टिल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइमली मिलती रहे। तो देखते हैं कि क्या रिव्यू रहा है, क्या बच्चों ने मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि थोड़ा नर्वसनेस रहती है, कोई कितना भी करे, कितना भी हम लाइटली जाएँ, रिलैक्स होकर जाएंगे, थोड़ी बहुत हमें नर्वसनेस रहती है जैसे हमें PC अलॉट होता है। तो हम हड़बड़ी में क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड नहीं करते, मोस्टली यही प्रॉब्लम सभी के साथ हुई है, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट शिफ्ट में तो ये प्रॉब्लम रहा है कि क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड नहीं किया है, हेडर की जगह फुटर कर दिया है जल्दीबाजी में, कलर्स को एक्सेप्ट करने का कहा था कि इन कलर्स को छोड़कर, तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हेडर फुटर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक बार उसको क्रॉस चेक भी करें, बिकॉज जो स्टूडेंट्स का रिव्यू, जो उन्होंने फीडबैक दिया है कि क्वेश्चन पेपर जो है एफिशिएंसी का वो इतना इजी है कि 5 मिनट्स में उसको कोई भी इजीली कर लेगा, एंड उसके बाद उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि मैंने सब कुछ करेक्ट ही किया है ना, कि सेकंड वो तो सेकंड पे किया है ना, सेकंड पैराग्राफ पे किया है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल प्रॉपरली आपको रीड करना रिलैक्स होकर। इसके बाद रिमूव का मतलब ये है कि सपोज़ कि आपको वहाँ पे दिया है कि आपका वाटरमार्क है, उसको आपको चेंज करना है। तो चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर वाटरमार्क आपका हॉरिजॉन्टल है तो आपको उसको डायगोनल करना है, डायगोनल है तो आपको उसको हॉरिजॉन्टल करना है, बट रिमूव बोला है दैट मीन्स उसको हटा देना है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, रिमूव है तो रिमूव करना है, चेंज है तो चेंज करना है, बिकॉज उसमें कई बार जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वो लोग कर रहे हैं फॉलो, उसमें वो दे देंगे कि ये कलर छोड़कर, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था क्वेश्चन पेपर में कि ब्लैक एंड वाइट छोड़कर, तो छोड़कर इस टाइप का पैटर्न चल रहा है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है तो सिंपल ही क्वेश्चन पेपर, बट फिर भी इसके अलावा सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही आप अपने एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसमें आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो उसके बाद कीबोर्ड की कीज़ को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करें, बिकॉज गलती से कोई की प्रेस हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, उसमें स्पेस वगैरह ऐसी कुछ भी एंटर हो जाता है तो वो मिस्टेक में कंसीडर होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कुछ भी सेलेक्ट किया है तो कीबोर्ड को बिल्कुल अपने टच होने की सिचुएशन में रखे ही नहीं, उसको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल गलती से भी टच नहीं हो और कोई भी की गलती से भी प्रेस नहीं हो। बाकी पैटर्न जो है पैराग्राफ्स का टाइपिंग के लिए वो सेम आ रहा है, ज़्यादा स्क्रॉल करने की नीड भी नहीं है आपको उसमें। अंडू रीडू दोनों चीज़ें वहाँ पे हो रहा है, ये दोनों का काम, अंडू रीडू दोनों ही वहाँ पे एलिजिबल हैं, दोनों काम हो रहे हैं, एंड सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, कम आप लोगों को बिल्कुल कन्वीनियंट रहेगा, प्रॉपर स्पेस है, तो इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीबोर्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कीबोर्ड्स आप चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्विजिलेटर को बोल के उसको चेंज करवा सकते हैं, कीज़ को अच्छे से चेक कर लें किस तरह से आपको रखना है, आपको उसको रैक में रखना है, ऊपर रखना है, जिस तरह का अरेंजमेंट आपको चाहिए आप इन्विजिलेटर को बोल के वो चेंज करवा सकते हैं। ये सब वहाँ पे चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स ने अपने कीबोर्ड चेंज करवाए हैं और चेंज वहाँ पे फ्लटली कर दिए गए हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टैब्स वहाँ पे 4 हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है एंड व्यू टैब है, ये चारों आपकी जो टैब्स हैं ये वहाँ पर वर्क करेंगी। तो आपको ये देख लेना है कि आप इसमें वैसा हो रहा है जैसा कि हमारा होता है कि हम जैसे लेके जाते हैं तो उसमें पूरा उसका डिटेल उसकी शो हो जाती है, जब उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, तो वैसा काम इसमें भी हो रहा है, तो कोई हेडेक नहीं है आपको, बिल्कुल कन्वीनियंट एनवायरनमेंट है आपके लिए, एफिशिएंसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैटर्न जो है सैम्पल पेपर जो आपने देखा है एफिशिएंसी के लिए, सैम्पल पेपर की तरह ही आपका पैटर्न है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जो आपने मॉक टेस्ट को फेस किया है तो बिल्कुल वैसा ही है, कंफर्मेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एक पेपर फिनिश होने के बाद सेकंड के लिए कोई इशू नहीं है, उसमें सब कुछ आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आप पेन ना लें, इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कैसा हमारा एफिशिएंसी का पेपर रहेगा, समथिंग एवरीथिंग विल बी फाइन, हर चीज़ अच्छी रहेगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं, बस आपको पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे। और फ्रेंड्स ऐसी गलती मत कीजिए कि स्टिल आप अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग जो आपने की है वो आपके अच्छे से काम करेगी, जो हमने पहले किया है वही काम आएगा। तो एफिशिएंसी के लिए आप क्वेश्चंस को नियर बाय लेके चलें कि अगर उन्होंने हेडर फुटर दिया है तो आगे वो क्या दे सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि क्वेश्चन आएंगे उसके आसपास की। मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया है, फिर भी और कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको टाइमली बताती रहूँगी फ्रेंड्स, बट टाइपिंग में और ज़्यादा आपको हेडेक लेने की नीड नहीं है, आप ज़्यादा टाइपिंग नहीं करें और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो कि भाई इससे पूछें उससे पूछें, वो सब कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जैसे आप करते आए हैं वैसे पेपर आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। जो भी अपडेट्स मैं आपको टाइमली देती रहूँगी, ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फ्रेंड्स।